बताया जा रहा है कि जो आईक्यू 90 डिवाइस है वो एक मोस्ट अफोर्डेबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है। मतलब हो सकता है क्या, है ही, क्योंकि जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। वैसे आप सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी है और मोस्ट अफोर्डेबल भी है। मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स तो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आपसे बात करूँगा दोस्तों आगे, जब मैं फीचर एक्सप्लेन करूँगा तो उसके बारे में आपसे बात करूँगा। लेकिन दोस्तों इस पर जो मेजर रीज़न दिया जा रहा है वो ये कि जिस तरीके की स्पेसिफिकेशंस कंपनी इस डिवाइस में दे रही है उसके हिसाब से जो प्राइस सेट किया है कंपनी में वो एकदम जो दोस्तों अमेजिंग है। यहां पर दोस्तों इस फोन का जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट वन प्लस 10 प्रो से हो रहा है और ये जो है ना दोस्तों बहुत बड़ी बात है और मुझे भी ये कहीं ना कहीं पर सही ही लगा है। मतलब काफी टाइम के बाद में एक ऐसा फोन है जिसके बारे में ऑब्वियसली मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं सही लगा। मैं बताऊंगा दोस्तों आगे के भाई क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें मिलते हैं और मैं क्यों जो है ना ऐसा बोल रहा हूं। वैसे सबसे पहले अगर मैं इसके लॉन्च के बारे में बात करूंगा तो 2 अगस्त से इसका लॉन्च हो जाएगा, सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा, अमेजॉन के ऊपर से आप इसको परचेस कर सकते हो। और साथ ही में अगर प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो कंपनी ने अराउंड 46,000 तक रखा है और जो उसका प्रीमियम वेरिएंट है जो कि 12 GB रैम के साथ में आता है उसका प्राइस अराउंड 56,000 के करीब रखा है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो वन प्लस 10 प्रो से तो उसका जो बेस वेरिएंट है वही अराउंड 67,000 के करीब आ जाता है, मतलब 8 GB रैम वाला वेरिएंट। और अगर आप उसका 12 GB रैम वाला वेरिएंट लेने जाते हो तो वो 70+ हो जाता है। तो यहाँ पर जो ना दोस्तों तकरीबन 10,000 का डिफरेंस है, मतलब काफ़ी डिफरेंस है यार। अब यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली बहुत सारे वन प्लस के भी ऐसे फैंस हैं जो बोलेंगे मैंने वन प्लस का फ़ोन एक अलग ही फोन है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वन बाय वन सारी चीज़ें कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश करेंगे उसके बाद में फिर द चॉइस इज योर्स के भाई क्या फ़ोन जो है ना सही है जिस प्राइस रेंज में जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन से रिलेटेड इसका थोड़ा बता दूँ तो इतना ज़्यादा कुछ देखने के लायक नहीं है, लेकिन जो एक मेजर पॉइंट हमें इसमें देखने को मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त लगा है। इसमें जो बैक मिलता है वो डुअल टोन फीचर के साथ में आता है। तो जो इसका रेयर है अगर आप वहाँ पर कैमरा मॉड्यूल को देखने की कोशिश करेंगे तो इसका रेयर कैमरा मॉड्यूल है वो जो है ना ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है और उसके बाद में जो इसका डाउन साइड है पूरा वो मैट फिनिश के साथ में आता है। तो यहाँ पर ये एक यूनिक चीज़ लगी है मुझे। बाकी जो डिज़ाइन है, जो डिस्प्ले है, वो सब चीज़ जो है ना दोस्तों बराबर एकदम अपनी जगह पर, इतना कुछ खास यूनिक नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से कंपनी ने बहुत अच्छा जो है ना किया है इसमें। अब बात करूँगा दोस्तों डिस्प्ले फीचर्स के हिसाब से तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। गाइस यहां पर डिस्प्ले फीचर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन अगर कंपनी इसमें 2K डिस्प्ले दे देती तो वो और जबरदस्त बात हो जाती थी, जो कि इस प्राइस रेंज में 2K डिस्प्ले देना मतलब कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन फिर भी फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन 2K अगर होता तो वो और ज्यादा बेटर बात हो जाती थी। अब बात करता हूँ दोस्तों फटाफट कैमरा फीचर्स के बारे में, तो इसमें वही ट्रेडिशनल ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन जो सेंसर्स कंपनी ने दिए इसमें वो एकदम ज़बरदस्त है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि 50 MP का प्राइमरी लेंस मिलता है जिसमें सैमसंग का आइसोसेल GN5 सेंसर मिलता है, और जो इसमें सेकेंडरी लेंस मिलता है वो 12 MP का टेलीफोटो लेंस है, और जो थर्ड लेंस मिलता है वो 13 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। तो यहाँ पर गाइस सेटअप के हिसाब से भी एकदम सही चीज़ है। ज़्यादातर कंपनीज अपने फ्लैगशिप रेंज में जो है ना वो टेलीफोटो लेंस नहीं देती है, जो कि एकदम ड्रॉबैक वाली बात हो जाती है। यहां पर कंपनी ने इस चीज को सही रखा है, 16 MP का सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहां पर जो सेंसर मिल रहा है गाइस कैमरे में वो तो जबरदस्त है ही, सैमसंग का जो आइसोसेल GN5 सेंसर है वो एकदम जबरदस्त है, लेकिन कंपनी इसमें V1+ की जो है ना वो चिपसेट भी दे रही है। अब ये जो V1+ की इमेजिंग चिपसेट है इसके हिसाब से गाइस कंपनी का ऐसा क्लेम है कि आउटस्टैंडिंग इमेज क्वालिटी जो है ना वो निकाल के देती है, और खास तौर से जो लो लाइट कंडीशन में इमेजेस आती है वो एकदम जबरदस्त होती है। तो यहां पर मैं ये बोल पाऊंगा कि आईक्यू का ये ऐसा फोन होगा जहां पर आपको कैमरा भी एकदम जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर आईक्यू के फोन्स जो है वो हार्डवेयर ओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन यहां पर कैमरा भी जो ना दोस्तों एकदम आउटस्टैंडिंग निकल के आएगा इसका। अब दोस्तों फाइनली बात करूंगा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस को लेके, और यहां पर आता है मेजर पॉइंट। इसमें स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 चिपसेट मिलता है, 4nm की चिपसेट पे ये है। अब ये जो है ना दोस्तों जबरदस्त चीज है, क्योंकि यहां पर से डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है 1+10 Pro से। 1+10 Pro में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जबकि उसका प्राइस भी अच्छा खासा ज्यादा है। यहां पर प्राइस कम होने के बाद में भी स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट हमें जो है ना इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो है ना दोस्तों मुझे एकदम जबरदस्त बात लगी है, और जी ऑब्वियसली मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये डायरेक्ट कंपैरिजन में है 1+10 Pro से, और कहीं ना कहीं पर काफी अच्छा और बेटर परफॉर्म करने वाला है 1+10 Pro से। तो यहां पर गाइस हार्डवेयर के हिसाब से भी फोन एकदम जबरदस्त है, और ऑब्वियसली कैमरे के हिसाब से भी फोन एकदम जबरदस्त है। तो फाइनली गाइस
गाइस अब बच जाता है बैटरी और सॉफ्टवेयर। इसमें 4700 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग पे रहेगी। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी बेटर मिल रही है, बैटरी कैपेसिटी भी बेटर मिल रही है और एंड्रॉयड 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर गाइस ये हो गए सारे स्पेसिफिकेशंस और मुझे जो है ना दोस्तों इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस वन बाय वन सब जो है ना वो एकदम जबरदस्त लगे। गाइस ये तो हो गए सारे स्पेसिफिकेशंस। फाइनली बात करूंगा कि आपको ये फोन परचेस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका लॉन्च जो है ना वो एकदम नियर है, प्राइसिंग भी जो है एकदम जबरदस्त है। अगर आप ढूंढ रहे हो ऐसा फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसमें आपको फ्लैगशिप फीचर्स मिले तो ये फोन जो है ना दोस्तों ऑफ कोर्स एकदम जबरदस्त है, तो आप इस चीज के लिए वेट कर सकते हो। यहां पर गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि जिस प्राइस रेंज में कंपनीज डिवाइस को लॉन्च कर रही है उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो एकदम जबरदस्त मिलते हैं। अगर आप डायरेक्टली OnePlus 10 Pro से भी इसका कंपैरिजन करोगे तो हाँ OnePlus 10 Pro में जो है ना आपको Hasselblad का कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो सेंसर मिलता है Samsung का वो भी एकदम जबरदस्त है और साथ ही में जो इसमें V1 Plus की चिप मिलती है मतलब इमेजिंग को एकदम क्लियर करने के लिए वो भी एकदम आउटस्टैंडिंग है। और ऑब्वियसली हार्डवेयर तो क्या बोलूँ वो तो जबरदस्त है ही, उसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन जो है ना वो देखने के लिए मिलता है। और द बेस्ट पार्ट इज प्राइस में काफी डिफरेंस है, तकरीबन 8 to 10,000 का डिफरेंस जो है ना दोस्तों प्राइस में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पर गाइस जो iQOO 90 डिवाइस है ये मेरे हिसाब से एकदम आउटस्टैंडिंग है। अगर आप इतने बजट में फोन परचेस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये एकदम जबरदस्त चीज हो सकती है। 2nd of August को इसका सेल अवेलेबल होगा। अगर मुझे लिंक मिल जाता तो Amazon का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना अगर आपको पसंद आता है। तो यहीं तक था दोस्तों मेरा वीडियो, आपके वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी रखना ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह के अपडेट्स मिस नहीं करोगा मेरे चैनल पे से। तो चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय।